हाय वेलकम। आज के लेक्चर का टॉपिक है टावर ऑफ हनोई। और टावर ऑफ हनोई जो है बेसिकली एक पज़ल है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में रिकर्शन पढ़ा था, उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर पिछले लेक्चर रिकर्शन का एक्सटेंशन है। टावर ऑफ हनोई बेसिकली बहुत ही सिंपल सी पज़ल है जो कि 1880 में यूरोप में एक मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करी थी। उसमें क्या होता है कि एक लकड़ी के फट्टे पर बेसिकली अगर तीन डंडे हैं, तो पहले मान लो उन्हें ए बी सी कहता हूँ मैं, तो पहले वाले खंबे पर डिस्क रखी हुई हैं, तीन डिस्क, नंबर तीन, डिस्क नंबर दो, डिस्क नंबर एक, और उनका साइज जो है वो घटता जा रहा है। मतलब कि सबसे नीचे वाली डिस्क बड़ी है, उसके ऊपर वाली उससे छोटी है, और सबसे ऊपर वाली डिस्क सबसे छोटी है। तीन होना ज़रूरी नहीं है, आठ भी हो सकती हैं, दस भी हो सकती हैं, पचास भी हो सकती हैं, और जो कहानी है, जो इसके पीछे स्टोरी है, उसमें तो 64 डिस्क हैं। करना पज़ल ये है बेसिकली कि प्रॉब्लम यहाँ से चालू होगी और आपको एक एक डिस्क सरका सरका कर इस तरह मूव करानी है कि जब प्रॉब्लम ख़त्म हो तो सारी की सारी डिस्क एग्जैक्टली बी में इसी तरह आ जाएं, तीन दो एक। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या सिंपल है, मैं तीनों उठाकर यहाँ से उठाऊंगा और फिर यहाँ रख दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाती है कि शर्तें हैं कुछ। एक तो ये कि आप एक ही डिस्क मूव करोगे एट अ टाइम, ठीक है, वन डिस्क एट अ टाइम मूव करोगे, एक समय पे आप ज्यादा, एक से ज्यादा डिस्क नहीं उठा सकते। दूसरी कंडीशन यह है कि एक के ऊपर तीन नहीं रख सकते, मतलब कि छोटी के ऊपर बड़ा नहीं रख सकते आप। छोटी डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क रखना अलाउड नहीं है, केवल यही अलाउड है कि नीचे बड़ी डिस्क होगी तो उसके ऊपर छोटी डिस्क आ पाए, ये अलाउड है, ठीक है। ये पजल इतनी फेमस इसलिए हो गई क्योंकि इसके पीछे जो कहानी थी वो ये थी कि बनारस में, भारत में, एक टेम्पल है जहाँ पर ये बेसिकली पहले टावर ऑफ ब्रह्मा हुआ करती थी ये पज़ल। फिर ये वहाँ से हनोई वियतनाम में चली गई, लेकिन लेजेंड ये है कि बनारस में एक टेम्पल में ब्रह्मा जी ने कुछ ब्राह्मण लोगों को ये टास्क असाइन करा है, ये काम असाइन करा है कि उनके पास 64 डिस्क हैं, ऐसी 64 63 ऐसे लेकर छोटी होते जाती एक, और उन्हें मूव करना है इनको, एक ए से बी से, ए से बी में मूव करना है सी की मदद से। और वो कंटिन्यूसली वो ब्राह्मण लोग ये कर रहे हैं, उनको भगवान ने ये काम असाइन किया है। और लेजेंड ये है कि जिस दिन भी वो कर लेंगे उस दिन धरती का सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा लेजेंड है। इससे पहले कि आप डरो कि भाई दुनिया का सर्वनाश होने वाला है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 64 डिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 की पावर 64 बार डिस्क को इधर उधर रखना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण लोग एक सेकंड में भी एक डिस्क मूव करते हैं तो 2 की पावर 64 इतना बड़ा नंबर है कि 585 बिलियन साल लगेंगे डिस्क को मूव करने में। और 585 बिलियन साल इतना लंबा समय होता है कि उससे पहले हमारा सूरज ही बुझ जाएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करते हैं। मैंने वेबसाइट पर अपनी एक गेम डाला हुआ है जिसमें आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3 के पज़ल को, इसको यहाँ लाना है। तो वेल ये काइंड ऑफ सिंपल है, आप ऐसा करो, 1 यहाँ ले आओ, 2 यहाँ ले आओ, 1 यहाँ ले आओ, 3 को अब यहाँ मूव करो। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर 3 2 1 को इधर लाना है तो 3 सबसे पहले इधर आना पड़ेगा क्योंकि वही सबसे नीचे बैठ सकता है। तो 3 आ गया, अब 1 को इसके ऊपर तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि फिर मैं 2 कहाँ रखूँगा। तो मैं 1 को यहाँ रख देता हूँ, 2 को उठाकर यहाँ रख देता हूँ, और 1 को मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ, और ये प्रॉब्लम मेरी हो गई सॉल्व। ये बोल रहा है सॉल्व इन 7 मूव्स, है ना, तो एकदम सही है। ये ध्यान रखना है कि 3 डिस्क के लिए 7 मूव लगे, और ये मैंने बेस्ट कर सकता था, इससे कम मूव में नहीं कर सकता मैं प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप चाहो तो 4 के लिए भी ट्राई कर सकते हो। 4 के लिए अगर हम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है, मैं नहीं करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम पीडीएफ में देखते हैं कि क्या स्टेप्स होंगी। बेसिकली अगर हमें 2 से मूव करनी, अगर हमें 2 डिस्क की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो बहुत सिंपल होता है कि भाई एक डिस्क को ए से सी में मूव कर दो, एक डिस्क को यहाँ से यहाँ मूव कर दो, नंबर 2 को यहाँ से यहाँ मूव कर दो, और 1 को वापस यहाँ मूव कर दो। 3 की अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जैसा कि अभी हमने करा,
उसमें भी ये होता है कि तुम एक को पहले, यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ मैं, तीन की अगर हमने प्रॉब्लम अभी अभी सॉल्व करी वो भी काइंड ऑफ सिंपल ही थी कि तुम्हारे पास अगर 3 2 1 हैं, 3 2 1, तो तुम ऐसा करो कि किसी तरह पहले 3 को यहाँ पर लाना है, तो इसके लिए किसी तरह पहले 2 और 1 को यहाँ ले आओ, यहाँ से हटाकर, फिर उसके बाद 3 को यहाँ मूव कर दो, फिर उसके बाद 2 और 1 को किसी तरह यहाँ लाने की कोशिश करो। तो बेसिकली जब आप देखोगे तो प्रॉब्लम इस तरह टूटेगी कि पहले आप डिस्क एक, अगर 3 डिस्क की प्रॉब्लम है तो पहले आप सारी मेहनत करके 2 और 1 को सी में ले जाओगे, फिर 3 को बी में मूव करोगे और फिर 2 और 1 को वापस ले आओगे। अगर हम यही प्रॉब्लम 4 के लिए करते, अगर 4 के लिए हम ये प्रॉब्लम करते 4 3 2 1, तो आपको सबसे पहले ये करना होता कि यहाँ से उठाकर 3 2 1 पहले यहाँ रखने होते, उसके बाद आपको 4 यहाँ से उठाकर यहाँ रखना होता, और फिर उसके बाद ये 3 2 1 किसी तरह उठाकर यहाँ रखना होता। समझ लो, ये बेसिकली इस तरह प्रॉब्लम प्रोसीड होती, क्योंकि 4 को सबसे पहले नीचे रखना पड़ेगा। और मैंने जैसा PDF में दिखाया है, जो कि प्रॉब्लम हमेशा इस तरह टूटती है कि एक मिड पॉइंट आता है, और वो मिड पॉइंट ये आता है कि जो सबसे नीचे वाली डिस्क है उसको आप ए से बी में रखते हो। तो प्रॉब्लम काइंड ऑफ 2 भागों में टूटती है, कि जब भी आप मान लो एन डिस्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, n n-1 ऐसे लेके 1 तक, तो प्रॉब्लम 2 भागों में इस तरह टूटती है कि आप सबसे पहले स्टेप करते हो कि n-1 डिस्क को यहाँ मूव करते हो, n-1 डिस्क, ठीक है, खूब सारी स्टेप लगती हैं लेकिन डिस्क को यहाँ लेके आते हो। उसके बाद जो ये वाली डिस्क है वो उसमें को लाने में 1 ही स्टेप लगती है, उसको आप यहाँ ले आते हो, यहाँ से उठाकर सीधे यहाँ डाल देते हो। उसके बाद आपको ये n-1 डिस्क, अब ये तो सेटल हो गई अपनी पोजिशन में, ये आपने अच्छा जॉब कर दिया, फिर आपको किसी तरह ये n-1 डिस्क यहाँ पर मूव करनी है। समझ रहे हो, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि कैसे ये प्रॉब्लम रिकर्शन का पैटर्न ले रही है, क्योंकि n डिस्क को मूव करने से पहले आपको n-1 डिस्क को मूव करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी तरह n-1 डिस्क को ए से सी में मूव कर सको बी की मदद से, तो फिर आपको आखिरी डिस्क इजीली मूव कर दोगे। इतना समझ आ रहा है? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये निकालते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आखिर स्टेप कितने लगेंगे, उससे हमें अगला पार्ट कोड लिखने में आसानी होगी। देखो, अगर हमारे पास 2 डिस्क होती तो हमें कितने स्टेप्स लगते? भाई हमारे पास 2 है 1 है, हमें कितने स्टेप लगेंगे? 1 को यहाँ मूव कर दो, 2 को यहाँ मूव कर दो, 1 को वापस ले आओ, 3 स्टेप हो गए। तो यानी अगर मेरा फंक्शन जो है वो 2 डिस्क, अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ f जो कि नंबर ऑफ डिस्क लेने पे नंबर ऑफ स्टेप रिटर्न करता है, तो f(2) 3 के बराबर है। अगर मैं 3 डिस्क लेता हूँ तो हमने अभी वेबसाइट पर भी सॉल्व किया था कि वो 7 के बराबर था। तो क्वेश्चन ये है कि f(n) क्या है, जनरल में f(n) का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन मैं निकालना चाहता हूँ कि अगर n डिस्क होंगी तो कितने स्टेप्स लगेंगे, अगर 64 डिस्क हैं तो कितने स्टेप्स लगेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इसको हम बहुत सिंपली ऐसे देखते हैं कि भाई ऐसा लिख लो कि f(2) हमें पता है कि 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे n प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, n डिस्क है मान लो n n-1 ऐसे लेके 1 तक, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे n-1 डिस्क को रखना होगा यहाँ पर, ठीक है, उसमें कितने स्टेप्स लगेंगे? f(n-1), क्योंकि मैं n-1 डिस्क को मूव कर रहा हूँ, किसी तरह करूँगा खिटपिट कर करके, एक एक डिस्क मूव करा करा के, फाइनली f(n-1 डिस्क में मूव हो जाएंगे। फिर एक स्टेप आएगा जब ये n जो डिस्क है वो यहाँ से यहाँ जाएगी सीधे, तो 1 स्टेप उसमें लग जाएगा।
और फिर उसके बाद n माइनस वन ये जो डिस्क यहाँ पर है उन्हें मेरे को वापस इसमें डालना पड़ेगा, तो उसमें फिर से n माइनस वन टाइम स्टेप्स लग जाएंगे, है ना। जब भी n डिस्क को मूव करता हूँ मैं ए से बी खंबे में, तो f ऑफ n अगर टाइम लगता है तो n माइनस वन को करने में f ऑफ n माइनस वन को करने में f ऑफ n माइनस वन लगेगा। तो मुझे ये जनरल फॉर्मूला मिल जाता है कि f ऑफ n जो है वो इसके बराबर है, यानी कि अगर मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं तो मुझे ये पता चल जाता है कि f ऑफ n इज इक्वल टू टू ऑफ f ऑफ n माइनस वन प्लस वन, है ना। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो n को एक से बढ़ाने पे दुगना होता जाता है? वेल, अगर आपको नहीं चमक रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सोचो कि f ऑफ वन कितना है। एक डिस्क अगर होती, अगर एक डिस्क होती तो एक ही स्टेप लगता। f ऑफ टू कितना होता? इस फॉर्मूले से होता 2 इंटू वन प्लस वन, यानी कि तीन, जो कि हमने निकाला था। f ऑफ थ्री कितना होता? 2 इंटू थ्री प्लस वन, यानी कि सात, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। तो इन जनरल क्या होगा? इसका सिंपल आंसर ये है कि भाई ऐसा फंक्शन कौन सा होता है जो हर n के साथ डबल होता जाए? ऐसा फंक्शन होता है 2 की पावर n, क्योंकि वो n को एक से बढ़ाने पे दुगना होता जाता है। 2 की पावर 4 2 की पावर 3 के दुगना होता है, है ना। तो f ऑफ n जो होगा वो हमारे केस में इसके बराबर है। तो f ऑफ n आप वेरीफाई कर सकते हो कि सिंपली 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। इसे चाहें तो बहुत इजीली डिटेल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल तरीका है समझाने का। आप देख सकते हो कि ये जो है ये फॉर्मूला फॉलो करता है, और यहाँ से ये भी आ जाता है कि f ऑफ 3 7 होगा या f ऑफ 4 15 होगा। समझ रहे हो, ये बेसिक आइडिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमने ये पोर्शन कवर कर लिया। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब हम कोड लिखेंगे जो कि रिकर्शन की मदद से ये पज़ल सॉल्व करेगा। हम बेसिकली ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जो कि उसको मैं ये बताऊं कि भाई शुरुआत में डिस्क कि मेरे पास चार डिस्क हैं, मेरे को ये मैं ये बताऊंगा कोड को, ऐसा दिखेगा मेरा कोड सॉल्व टावर ऑफ हनोई। उसे मैं बताऊंगा कि मेरे पास डिस्क कितनी है, उसे मैं बताऊंगा कि भाई शुरुआत में कहाँ पर रखी हैं डिस्क, जैसा कि ए पे रखी हैं, फाइनली उन्हें कहाँ जाना है बी पर, और टेम्प्रेरी खंबा कौन सा है जो कि सी है। तो अगर मैं चार डिस्क की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं उसे ऐसे करूँगा कि भाई सॉल्व टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम, चार डिस्क हैं, ए से शुरू होंगी, बी पर ख़त्म होंगी, और सी जो है वो टेम्प्रेरी मेरा डंडा है। तो ये प्रॉब्लम रिकर्सिव बहुत साफ साफ दिख रही है, क्योंकि बेस केस और रिकर्सिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए रिकर्शन में, जैसा हमने पहले पढ़ा था। तो बेस केस तो सिंपली ये है कि अगर मेरे पास एक ही डिस्क होती तो उसमें कुछ ड्रामा नहीं करना, आप सिंपली ए से उठाओ और बी में मूव कर दो उसे। और रिकर्सिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिस्क हैं, सपोज 5 डिस्क हैं, तो आप पहले 4 को ए से उठाकर सी में रखोगे, फिर 5वीं डिस्क को उठाकर बी में लाओगे, और फिर बाकी बची 4 डिस्क को सी से उठाकर बी में रखना है। तो इससे पहले कि आप 5 डिस्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि मैं 4 को कैसे रखूँगा, क्योंकि समझ लो कि मैं 4 को कैसे रखूँगा। तो इस ये बेसिकली इसलिए ये रिकर्सिव प्रॉब्लम है। अगर मैं कोड देखूँ, चलिए कोड करते हैं अब। टावर ऑफ हनोई, ठीक है, छोटी कर दूं मैं स्क्रीन और इसे दो में तोड़ दूं। तो अब मैं यहां कोड लिख रहा हूं, और छोटी कर दूं स्क्रीन, सॉरी, मुझे पहले कर लेना चाहिए था।
मैं यहां पर कोड लिख रहा हूं कि भाई मेरा जो फंक्शन होगा सॉल्व टावर ऑफ हनोई वो लेगा एक तो नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, फिर ये लेगा कि शुरुआत कहां से होती है, ये लेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, और ये भी लेगा कि टेम्पररी बकेट कौन सी है। और जब ये कोड लिख जाएगा तो मैं इसे ऐसे कॉल करूंगा कि भाई सॉल्व टावर ऑफ हनोई 3, शुरुआत में ए पे थी, जाना उन्हें बी पर है, और टेम्पररी खंबा सी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेस केस। बेस केस तो सिंपल ये है कि इफ एन इज 1 तो किसी तरह एक डिस्क मूव कर दो। ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर एक ही डिस्क है तो फिर टेम्पररी खंबे की जरूरत ही नहीं है, एक डिस्क है सोर्स से उठाओ डेस्टिनेशन पे रख दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको यहां पर रिकर्शन लगाना पड़ेगा कि भाई एन माइनस वन डिस्क में मूव करना चाहता हूं, लेकिन सोर्स से मैं मूव कहां करना चाहता हूं, सोर्स से मैं मूव करना। और ये सबसे ध्यान देने वाली बात है कि मतलब ये अभी अगर हम सूडो कोड लिखें तो हम भाई मूव करेंगे मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम ए टू सी, है ना। उसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा कि भाई मूव वन डिस्क फ्रॉम ए टू बी, है ना, और फिर लास्टली होगा मूव एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम सी टू बी। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ए से सी में मूव कर दो एन माइनस वन, ए से बी में लास्ट वाली डिस्क कर दो, और फिर सी से बाकी बची हुई डिस्क बी में ले आओ, प्रॉब्लम खत्म हो गई। इतना ठीक है। तो अगर एन माइनस वन आपको मूव करनी है तो यही फंक्शन दोबारा से कॉल कर लो भाई, मूव एन माइनस वन, ए से ले जाना है जो कि हो गया सोर्स, सी में ले जाना है जो कि है टेम्परेरी, और मदद किसकी लेनी है, मदद लेनी है बी की। भाई टेम्परेरी खंबा कौन सा है, बी है, तो मदद हमें लेनी है बी की। उसके बाद हमें मूव करनी है वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, और लास्टली अब हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एन माइनस वन डिस्क है जो कि कहां पड़ी हुई है, टेम्पररी पर पड़ी हुई है यानी सी पर। टेम्पररी से उठाओ बी में रखो, बी क्या है, डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में रखो। मदद किसकी लो, सोर्स की लो, जहां से ये शुरू में आई थी, ए से लो मदद। ठीक है, अब आपको बस ये करना है कि भाई ये फंक्शन अभी डिफाइन नहीं हुआ है मूव वन डिस्क, तो मूव वन डिस्क फंक्शन लिख दो कि भाई सोर्स से डेस्टिनेशन में जाना है, तो बस आप प्रिंट कर देना कि प्रिंट मूव वन डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये परसेंट एस स्ट्रिंग होता है, तो आप वहां पर सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन कर देना, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो जब अगर आप यहां कॉल करोगे मूव वन डिस्क फ्रॉम ए टू बी, तो ये प्रिंट कर देगा मूव वन डिस्क फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं यहां पर करता हूं पाइथन टावर ऑफ हनोई डॉट पी वाई, ये बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर ये है कि यहाँ पर परसेंट नहीं आएगा, एक ही परसेंट आता है, और अभी भी एक एरर है। एरर क्या है, ये गलत लग रहा है मुझे, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, परसेंट यही तो कर, ओह ये तो किया था मैंने, प्रिंट सिंटैक्स 2% एस सोर्स कॉमा इनवैलिड सिंटैक्स, कॉमा नहीं आता क्या,
ओह शायद कॉमन नहीं होता, सॉरी। ग्लोबल नेम मूव नॉट डिफाइंड। ओ मूव, वेल मूव थोड़ी मतलब वो तो सॉल्व टावर ऑफ हनोई, सॉल्व टावर ऑफ हनोई यही फंक्शन फिर से कॉल कर लो, और सॉल्व टावर ऑफ हनोई फिर से कॉल कर लो, ठीक है। वोइला माशाल्लाह, अब देख रहे हो कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी थ्री की, तो ये क्या बोल रहा है, ए से बी में ले जाओ, ए से सी में ले जाओ, करके देखते हैं जो ये बोल रहा है। ए से बी में ले जाओ एक डेस्क, ए से बी में, ए से सी में ले जाओ एक डेस्क, ए से सी में, उसके बाद बी से सी में ले जाओ एक डेस्क। मैं बस आंख बंद करके जो ये बोलेगा करता रहूंगा। ए से बी में ले जाओ एक डेस्क, ए से बी में ले गया। सी से ए में ले जाओ एक डेस्क, सी से ए में ले जाओ एक डेस्क, सी से बी में ले जाओ एक डेस्क, सी से बी में ले जाओ, ए टू बी ले जाओ। प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। इजंट दैट अमेजिंग, मतलब ये, और ब्यूटी ये है कि तीन क्या, ये कंप्यूटर तो कितने के लिए भी चलेगा, 10 के लिए अगर आप चलाओगे तो ये प्रिंट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। 2 की पावर 10 1000 होता है, 1000 स्टेप लगेंगे, और इसने इमीडिएटली कैलकुलेट कर लिया, जो भी टाइम लगा वो बस प्रिंट करने में लगा। अगर 20 रखोगे तो 2 की पावर 20 यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख स्टेप लगेंगे, और ये इमीडिएटली कैलकुलेट कर लेगा, जो भी टाइम लग रहा है बस इसे प्रिंट करने में लग रहा है। लेकिन इसने, और आप 1 मिलियन क्या 10 या 15 की प्रॉब्लम सॉल्व करने भी बहुत चैलेंजिंग होगा, तो यहाँ पर हम, और देख रहे हो अभी भी प्रिंट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, क्योंकि इसे 1 मिलियन लाइन प्रिंट करनी है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना छोटा सा कोड, मतलब मुश्किल से 5 लाइन का कोड विद सो मेनी कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स के साथ हमने सॉल्व कर लिया रिकर्शन की मदद से। तो ये पावर आज हम, रिकर्शन इसलिए बहुत पावरफुल होता है कि प्रोग्राम बहुत ही एलिगेंटली छोटा बन जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो आज के लेक्चर का यही कंक्लूजन था। आज हमने टावर ऑफ हनोई पजल को पहले एनालाइज किया, उसे समझा, उसके बारे में क्या स्टोरी है वो हमने जाना, और फिर हमने प्रोग्राम की मदद से, रिकर्शन की मदद से उसे सॉल्व किया। आपके लिए ये होमवर्क असाइनमेंट है कि आप टावर ऑफ हनोई इस पज़ल को बिना रिकर्शन की मदद से सॉल्व करके देखो, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखो। अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझसे पूछो, कमेंट करो वेबसाइट पर, या फिर विकिपीडिया पे शायद सोल्यूशन है, वहाँ देख सकते हो। पर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम अगले लेक्चर में शायद सॉर्टिंग की बात करेंगे, तब मिलते हैं, बाय।